जिस देश में हम सब रहते हैं, जिस देश के साथ हम सब की पहचान आइडेंटिटी जुड़ी है, उस देश का फ्यूचर कैसा होगा, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। तो इसी का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे इंडिया के सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और 2030-35 तक ये सब प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो जाएंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखो, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि हमारा इंडिया 2030 तक एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा, और ये प्रिडिक्शन है कि इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड के इकोनॉमिक शेयर के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा विद अ शेयर ऑफ 6.8% जीडीपी, और फिलहाल इंडिया सिक्स पोजीशन पे है विद अ शेयर ऑफ 3.3% जीडीपी, जो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके के बाद में आता है। तो आखिर कैसा होगा हमारा देश इंडिया इन आने वाले सालों में, हाउ वुड बी इंडिया टिल 2030। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है ग्रीनफील्ड सिटी एंड अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और तीसरा है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। बुलेट ट्रेन, जितनी तेजी से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है उतनी रफ्तार से इंडिया में ट्रेन भी दौड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके कारण जापान ने इंडिया को 88,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जिससे इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए है, और इसमें से 20% हिस्सा खुद इंडिया फंड करेगा। ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक होगी, और ट्रैवल करने में 2 घंटे लगेंगे, जो अभी 8 घंटे लगते हैं, और इस हाई स्पीड रेल की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर्स की रहेगी। इसका 21 किलोमीटर का एक पैच पानी में से गुजरेगा। ये प्रोजेक्ट 2020 में शुरू होकर 2023 तक खत्म होने वाला था, और अभी ये 2028 तक पूरा हो जाएगा, पर डिले होने के चलते इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। चेनाब ब्रिज, इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। चेनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक ब्रिज की लेंथ 1,315 मीटर्स है, और वही नदी से ऊपर की ऊंचाई 359 मीटर्स है। इस ब्रिज को बनाने में अब तक 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा है, और ये दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। ये ब्रिज जोन 5 के हाई इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम 120 साल तक टिका रहे। इस पर रेल की पटरियां इस तरह से बिछाई जाएगी कि उस पर से ट्रेन मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सके। ब्रिज के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई है। आतंकवादियों और हमलों से ब्रिज को बचाने के लिए बहुत ही सेफ्टी ली गई है, क्योंकि ब्रिज से पाकिस्तानी बॉर्डर सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ मौजूद चेनाब नदी के इतने ऊपर से ब्रिज को बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया के किसी भी रेल नेटवर्क के सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौती है। ब्रिज के केबल क्रेन की ऊंचाई 127 मीटर्स है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, और वही फ्रांस के कैपिटल पेरिस के फेमस एफिल टॉवर से भी ये चेनाब ब्रिज ऊंचा है, और चेनाब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1486 करोड़ रुपए है। न्यू मेट्रो लाइंस अक्रॉस सिटीज, अभी के टाइम में टोटल 18 सिटीज में मेट्रो लाइंस है, और उनमें से 13 सिटीज को ही इसका एक्सेस है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है कि 2025 तक इंडिया के 25 सिटीज में मेट्रो लाइंस होंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जिनमें आगरा, मीरूत, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना जैसे सिटीज शामिल है। न्यू पंबन ब्रिज, और गाइस और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पंबन ब्रिज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें एडवांस सिस्टम होगी, जिसके कारण ट्रेन और शिप्स दोनों एक साथ जा सकेंगे। और ये ब्रिज इंडिया का सबसे डेंजरस रेलवे ब्रिज है, जिसके बारे में पहले ही एक वीडियो बनाई है, जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं रोडवेज प्रोजेक्ट की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। ये हाईवे देश को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इसका टोटल कॉस्ट करीब 1,00,000 करोड़ रुपए है। ये हाईवे एक्सेस कंट्रोल है, इसका मतलब कि इसके बीच में से कोई आ जा नहीं पाएगा। इसके बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आएगी, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, और इसके साइड में टोटल 40,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। एक हेलीपैड भी बनेगा, जिसके कारण इमरजेंसी में ये बहुत यूजफुल होगा। एनिमल्स के बचाव के लिए इसमें 3.5 किलोमीटर की दूरी के बीच बीच में 3 ओवरपास भी बनेंगे। ये पास रणथंभौर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जाएगा,
जिससे एनिमल्स यहाँ वहाँ आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। दिल्ली टू मुंबई का सफर आने वाले समय में 12 से 13 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। अभी मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस 1510 किलोमीटर है, वही एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1380 किलोमीटर रह जाएगा। और इस हाईवे में टोटल 8 लेन्स होंगे, इसे 12 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकेगा और ये 2023 तक कम्प्लीट हो जाएगा, जो इंडिया का सबसे लंबा और बिजिएस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा। हिमांक प्रोजेक्ट 19,300 फीट की ऊंचाई पर बन रहा ये रोड लड़ाख के सासोमा से लेकर सासेर लाह को कनेक्ट करेगा। बहुत बार ये रोड सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद हो जाता है। ये काराकोरम माउंटेन रेंज में है और यही पर इंडिया के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का सबसे ऊंचा रोड का काम पूरा कर दिया है। ये इंडिया और चाइना के डेमचौक एरिया में है, जिसे चाइना को परेशानी हो रही है क्योंकि इस रोड की वजह से अब इंडियन आर्मी उन एरियाज में जा सकेगी जहाँ पर जाना बहुत हार्ड था, जिससे कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और लद्दाख को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये रोड बन गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड थ्रू द ग्लेशियर्स, जो है हिमांक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे शेवरी नवा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी कहते हैं। मुंबई में इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनने वाला है, जो 21.8 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 17,843 करोड़ रुपए है। इसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुन्द्र में होगा और बाकी जमीन पर। MMRDA ने प्रोजेक्ट को नवंबर 2017 में अनाउंस किया और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके फीचर्स की बात करें तो इस ट्रांस हार्बर लिंक से बहुत ही कम समय में मुंबई से नवी मुंबई जा पाएंगे और इस सेवरी साउथ मुंबई से थाने क्रीक को क्रॉस करके नॉर्थ में चिरले विलेज नवा शेवा तक बनेगा। इस हाईवे में 6 लेन्स होंगे और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड 8 लेन्स का होगा। ये रोड मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कनेक्ट करेगा, साउथ में मरीन लाइन्स और नॉर्थ में कांदीवली तक। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है और यहाँ से हर दिन करीब 1,30,000 गाड़ियाँ जाएगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबर्ब जाने में 2 घंटों से सिर्फ 40 मिनट का टाइम लगेगा। इसके पहले फेज में 9.98 किलोमीटर वाला सेक्शन बनेगा, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वोरली सी तक होगा और दूसरे फेज में 19.22 किलोमीटर का रोड जो बांद्रा से कांदीवली तक होगा और 9.5 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक भी होगा। और गाइस, बहुत सारे ऐसे हाईवेज और एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। तो अब बात करते हैं एयरवेज प्रोजेक्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट होगा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नोएडा से 60 किलोमीटर दूर और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर दूर होगा, जो जेवर की गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा, जो आता है उत्तर प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन 2019 में ही शुरू हो गई थी। 5,100 हेक्टर्स में बनाया जाने वाला इसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, पर इसको ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है। इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट 5,754 करोड़ से है। 2024 तक इस एयरपोर्ट में 2 रनवेज पूरे हो जाएंगे और फिर बाद में इसमें टोटल 6 रनवेज होंगे, जो काफ़ी बड़ा होगा और इसकी टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस होंगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में एक और नया एयरपोर्ट बन रहा है जो पनवेल नवी मुंबई में होगा, यानी पुराने एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर। ये एयरपोर्ट 1160 हेक्टर्स लैंड में बनेगा और ये भी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस प्रोजेक्ट की प्राइस लगभग 16,700 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2021 में ही शुरू हो गया था और दिसंबर 2024 तक बनने की उम्मीद है, जिसके कारण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले कुछ ट्रैफिक को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकेगा, जिससे भीड़ कम होगी और इंडिया में और ज़्यादा फ्लाइट्स होगी। इस एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवेज होंगे, एप्रोन एरिया ऑफ 67,000 मीटर स्क्वायर, 17,000 मीटर स्क्वायर का टर्मिनल एरिया और 10 कोड सी एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग एरिया। तो अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड सिटी और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया में एक नए संसद भवन और एक नए काउंसिल इस्टेट का निर्माण किया जाएगा। इसको सितंबर 2019 में ही अनाउंस किया था, जिसकी कॉस्ट 13,450 करोड़ है।
सेंट्रल विस्टा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 3 किलोमीटर लंबा राजपथ जो राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट के बीच में होगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे जिससे पब्लिक म्यूजियम्स को एक्सेस कर पाए। एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग विथ मोर कैपेसिटी, नया रेजिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए और पुराने स्ट्रक्चर्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2020 में ही स्टार्ट हो गया था और 2024 तक बनाने का एक्सपेक्टेड है। ये सेंट्रल विस्टा राइजिनी हिल्स न्यू दिल्ली में बनेगा जो टोटल 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला होगा। सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है टाइम और पैसे को बचाना, यानी जो इंडिया के कोस्टल रीजन के पोर्ट्स है उनको रिनोवेट करके नया बनाना, जिससे समुन्द्र के रास्ते गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और भी आसान और कम कॉस्ट में होगी। सुपर स्पायरा। ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इसमें टोटल 80 फ्लोर्स होंगे और ये 300 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रैपर होगा। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इस कैटेगरी के बाकी के प्रोजेक्ट्स में स्मार्ट सिटीज मिशन, नव्य अयोध्या, डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी, डोलेरा, गिफ्ट सिटी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC, प्रगति मैदान रिवैम्प और न्यू दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो गाइस, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी अभी इंडिया के अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स है उसमें से आधे से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मुंबई या कहे वेस्ट इंडिया के है। तो ऐसा क्यों है? तो इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। इसका नाम है ईस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडिया। उसमें मैंने बताया है कि वेस्ट इंडिया कैसे इतना डेवलप्ड है ईस्ट के मुकाबले और कैसे होगी इंडिया की आगे की डेवलपमेंट। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो अब हम देखते हैं हमारे तीसरे कैटेगरी की, जो है अदर कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो एरोस्पेस में गंगायान स्पेसक्राफ्ट, मून के लिए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जो सन को स्टडी करने के लिए है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भारत नेट, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO, नेविक और 5GI नेटवर्क है। एनर्जी में भदला सोलर पार्क, पावागाड़ा सोलर पार्क, ढोलेरा सोलर पार्क, गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। रिलीजियस प्रोजेक्ट्स में राम मंदिर, सोमनाथ डैम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ टेम्पल रिवैम्प और वृंदावन चंद्रोदया टेम्पल है। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में तो अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज और ये गुजरात में है। रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो गाइस, आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है? क्या हमारा इंडिया 2030 तक एक मॉडर्न और डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप PDFacts चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।